दोस्तों, कक्षा 10 क्लास में हम लोग आज पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं, दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका योग 90 अंश के बराबर होता है। यदि दोस्तों दो कोण है, वे एक दूसरे के पूरक कोण तभी कहलाते हैं जब उनका योग 90 अंश के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। हम लोग दोस्तों समकोण त्रिभुज एबीसी में मान लिए कोण बी बराबर 90 अंश है, तो कोण ए और कोण सी बराबर 90 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 90 अंश, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। यदि दोस्तों कोण बी बराबर 90 अंश है, तो इन दोनों का योग भी 90 अंश होगा, तभी 90 90 180 होगा। अर्थात कोण ए और कोण सी से पूरक कोणों का युग्म बनता है। मान लिया दोस्तों कोण सी बराबर थीटा, दोस्तों कोण बी बराबर 90 अंश है, कोण सी बराबर थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दोस्तों 180 अंश हो गया। कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान 90 अंश है, कोण सी का मान थीटा रख दिए, बराबर के इधर सभी लोग सभी दोस्त हैं, तो बराबर के इधर जितने भी हैं बराबर के इधर जब जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 180 में ले ये दोनों दोस्तों घट जाएंगे, तो 180 में से 90 घटेगा, 90 बच जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बता दिया गया है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लंब तो मान लीजिए दोस्तों बदलता रहता है। तो साइन थीटा आपको बता दिया गया है लाल बटे कक्का से कि साइन थीटा का मतलब होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा के ठीक सामने वाला यानी ए बी लंब हो गया और कर्ण आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी। इसी तरह दोस्तों हम लोग जब कास 90 माइनस थीटा लेंगे, कास थीटा या कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों जब 90 माइनस थीटा लिए हैं तो लंब ये हो जाएगा, तो आप जानते हैं आधार क्या होगा, ए बी होगा, और कर्ण दोस्तों ए सी ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग साइन थीटा बराबर भी ए बी अपान ए सी प्राप्त किए हैं, कास 90 माइनस थीटा बराबर भी ए बी अपान ए सी प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा कह सकते हैं, यानी साइन का पूरक होता है कास। तो इसी प्रकार दोस्तों कास का भी पूरक कौन होगा, साइन होगा। टैन और काट आपस में दोस्तों पूरक होते हैं, यदि यानी टैन थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा, अब काट थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों टैन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार दोस्तों सेक और कोसेक भी एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, यानी सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 अंश माइनस थीटा। दोस्तों आप देख सकते हैं साइन कास देख चुके हैं, कास थीटा बराबर आप देख ही लिए हैं, कास थीटा बराबर क्या आएगा, यदि कास थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण, और दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो वही बात आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार से दोस्त लंब बटे कर्ण तो वही बात हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। देख लीजिए साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी ए बी अपान ए सी आया। कास 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों आपको पता है यह लंब हो जाएगा तो आधार ये है, तो आधार बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। तो इस प्रकार से आप पूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों।
तो अब हम लोग सूत्र इसका निगमन देख लिए हैं कि कैसा पूरक कोण के त्रिकोण मितीय अनुपात में कौन सा सूत्र लगेगा। अब हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 8.3 को हल हमें करना है। पहला सवाल दिया है दोस्तों, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इसमें पहला सवाल दिया है दोस्तों, साइन 18° बटे कास 72°। तो हम लोग इन दोनों का, देखिए दोस्तों, हम लोग 0° 45°, 30°, 60°, 90° का मान ज्ञात किए हैं, लेकिन 18, 72 का नहीं ज्ञात किए हैं। तो हम देखेंगे कि इनको जोड़ने पर क्या 90° हो जा रहा है। 8, 2, 10, 7, 1, 8, 9 जोड़ने पर 90° हो जा रहा है। तो चाहे हम ऊपर वाले को बदलेंगे दोस्तों, या तो नीचे वाले को, किसी एक को बदलना है। हम ऊपर वाले को मान लीजिए बदल दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 18° को दोस्तों हम लोग 90 में से घटाएंगे, किसको तो आएगा 18, तो 72 को घटाने पर आ जाएगा। तो साइन 18 को दोस्तों ऐसे भी हम लिख सकते हैं, साइन 90 - 72, 18 आ जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा कास 72, फिर साइन 90 - थीटा, 90 - इसको थीटा पढ़ना है दोस्तों। तो आप देख लिए साइन का जो पूरक कोण है वो कास होता है, कास में होता है। तो साइन 90 - थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कास थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है दोस्तों, 72° बटे कास 72°। ये एक दूसरे से दोस्तों कट जाएगा और आपका एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों दूसरा सवाल है प्रश्नावली 8.3 में, पहले सवाल में दूसरा सवाल है टैन 26° बटे काट 64°। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह हल करेंगे, जोड़ेंगे आगे 6, 4, 10, 6, 2, 8, 1, 9। तो ऊपर वाले को फिर बदल लीजिए, 26 को 90 में से क्या घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा, तो दोस्तों 64 घटाएंगे। आपको पता है टैन 90 - थीटा, टैन किसका पूरक है, काट का पूरक है। टैन 90 - थीटा बराबर काट थीटा, तो काट 64 यहाँ भी हो जाएगा, काट 64 यहाँ भी हो जाएगा, एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और एक आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 8.3 के पहले सवाल को हल कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों दूसरे सवाल पर चलेंगे। दूसरा सवाल है दोस्तों, दिखाइए कि इसमें पहला दे दिया है टैन 48°, टैन 23°,
टेन 42 अंश, टेन 67 अंश बराबर। दोस्तों एक क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। एक हमें दोस्तों क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम दोस्तों LHS ले रहे हैं, तो देखिए दोस्तों अब जोड़ेंगे कि किसको किसको जोड़ने पर दोस्तों 90 अंश हो रहा है। तो हम 48 को 42 से जोड़ेंगे, अब दोस्तों देखेंगे 8 2 10 4 4 8 1 9, किसी एक को बदल दीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस 42। टेन 90 माइनस 67, टेन 67, 90 में से 42 को घटाएंगे 48 आ जाएगा, 90 में से 67 को घटाएंगे 23 आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों आपको पता है काट 42 हो जाएगा। टेन 90 माइनस 67 मतलब काट 67 हो जाएगा। आपको ये भी दोस्तों पता है कि टेन और काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 42। ये एक दूसरे से दोस्तों कट जाएंगे और आपका एक आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त। तो आप क्या कर लिए, प्रूव्ड। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल को हल कर लिए हैं। इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे के दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल दोस्तों cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश, साइन 52 अंश बराबर आपको दोस्तों जीरो सिद्ध करना है। तो देखिए ये कास में है, ये साइन में है, तो दोस्तों जीरो तभी आएगा। तो मान लीजिए मैं जीरो सिद्ध करना है तो हम LHS ले रहे हैं, LHS ले लिए हैं। तो दोस्तों इधर साइन है इधर कास है, तो किसी एक तरफ हम बदलेंगे, चाहे तो कास की तरफ पूरा बदल लीजिए चाहे तो साइन की तरफ पूरा बदल लीजिए। मान लीजिए हम कास की तरफ पूरा बदल रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कास 90 माइनस क्या घटाएं कि 38 आए। तो दोस्तों 52 घटाने पर आपको पता है कि क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसको भी लिख दीजिए, 52 आना है तो क्या घटाएं, 38 घटाने पर 52 आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 38 साइन 52। आपको पता है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 52 हो जाएगा और यहाँ साइन 38 हो जाएगा माइनस। इधर दोस्तों वही है, आगे साइन 52 को लिख दो फिर साइन 38 को लिख दो, इधर वही चीज प्लस इधर वही चीज माइनस, तो एक दूसरे से घटकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जीरो। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप लोग हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सवाल को भी हल कर लिए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि
टू ए बराबर काट ए माइनस 18 डिग्री, जहां टू ए एक न्यून कोण, टू ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो इस सवाल को हमें दोस्तों हल करना है। तो देखिए दोस्तों, दिया है टैन 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। टैन काट का एक दूसरे के पूरक है दोस्तों, तो हम इसको भी काट में बदल सकते हैं। तो टैन 2a को दोस्तों लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, तो टैन 2a को काट 90 माइनस 2a भी हम लोग लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा काट a माइनस 18 डिग्री। दोस्तों काट से काट तुलना करेंगे हट जाएगा, इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। दोस्तों सजाती सजाती एक तरफ, बिजाती बिजाती एक तरफ। तो इधर दोस्तों 90 डिग्री है और ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 18 डिग्री। और ये ए है दोस्तों, माइनस 2a बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2a। जोड़ेंगे 108 आ जाएगा दोस्तों, ये जोड़ेंगे 3a। दोस्तों 3 का a में गुणा है, बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, कट जाएगा 3 × 3 = 9, 1 बचा 3 × 6 = 18। यानी दोस्तों a बराबर 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सवाल में दिया है 2a एक न्यून कोण है। तो 36 का 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 2a निकल कर आएगा, 36 × 72, जो कि 90 से क्या है कम है। तो इस प्रकार से यह एक न्यून कोण है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सरलतापूर्वक कर लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।